जिता कहते अबू बकर सिद्दीक इतना ये अंशियों कल्लाब मिटाया किसने जोर रिद्दत का जमाने से हटाया किसने और फारस और रूम को मिट्टी में मिलाया किसने कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाया किसने सारी असनैन है अल्लाह का शहदाई है जाके भी पर हुए मोहम्मद ने जगा पाई है या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो वरना लाजिम है के कुरान से इनकार करो सिद्दीक अकबर भूल जाने के काबिल हूँ बोलो ना सिद्दीक को भुलाया जा सकता है जब जिक्र रसूल होगा तो जिक्र अबू बकर भी लाजमन होगा मेरे दोस्तों हम उसे कैसे भूलें कि जिसके पैदा होने पर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा अपने नामौलूद को गोद में लिए बैठी है बहकी वाले ने लिखा है कि पुकारने वाले ने अबू बकर की माँ को मुबारकबाद दी कि या अमतल्लाहि बित्तहकीकी अबशरी बिलवलद अतीकी इस्मुहु फिस्समाए सिद्दीकी व बिलखातम नबियीन फिल गार रफीकी अल्लाह की कमीज अर्श बरी से मुबारकबाद कबूल कर के जो बेटा लिए बैठी हो ये आगे चल के उम्मत में अतीक बनेगा पैगंबर का गार की तन्हाई में रफीक बनेगा और आसमान की बुलंदियों पे इसका लकब सिद्दीक गूंजेगा। मेरे दोस्तों अजीज दोस्तों जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया महबूबम घबराने की बात नहीं आप जिसके नुमाइंदा हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तकरीर पहली फर्स्ट की फरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की बुलंदियों पर सफा की बुलंदियों पर चादर लहराना दरअसल अब सुन्नत नहीं है वो तो हमसे ज्यादा जानता है वहां मक्के में ऐसे लगता है जैसे वही पैदा हुआ था। जिधर चला जाए जिससे बात कर ले सब इसके रजाकार हैं सब बिरादरी है इसकी सारी की सारी कहीं क्या जादू है इतना ये अंशियों कल्लाब मिटाया किसने जोर रिद्दत का जमाने